बाबूजी सब्जी ले लो। सब्जी देना बाबूजी। वो बड़े भाई साहब का फोन आया था। हाँ, बोल रहे थे कि स्वप्न लाया। अचानक ऐसी क्या बात हो गई? क्यों आएगा वो? उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है ना, तो आगे की पढ़ाई के लिए यहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब हॉस्टल लौट होने में मेरे ख्याल से 2-3 महीने लगेंगे, तो तब तक हमारे साथ ही रहेगा। अरे हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा तो किसी और जगह बंदोबस्त कर लेना अपना। अपना घर तो पहले से बहुत छोटा है, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ सोएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी रवि बेटा। बाबूजी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, वो यही हॉल में रह लेगा और अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, आप टेंशन मत। अरे रवि बेटा मेरी बात को तू समझ, उसके आने से ना हमें घनी दिक्कत। बाबूजी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हॉल में इंतजाम कर दूंगी उनके रहने का। अरे इन्हें क्या हुआ अचानक से? पता नहीं, आप तो खाओ। क्या बात है, अभी तक सोए नहीं आप? तुम्हारा इंतजार कर रहा था इतनी देर से। ओहो मेरा इंतजार। अरे यार चांदनी चाय ले आओ, लेट हो रहा है। आ रही हूँ बाबा। ये रही चाय। हाँ रख दो इसे। बाबूजी आपकी चाय। बाबूजी प्रणाम। देखता हूँ। मैं देखती हूँ। अब कौन आ गया सवेरे सवेरे? चाची जी प्रणाम। तुम? अरे स्वप्निल, अरे कैसे हो? आओ आओ। अरे बाबूजी देखना स्वप्निल कितना बड़ा हो गया है, आखिरी बार मिला था तो सीने तक आता था और अब मैं इसके कंधे पे आता हूँ। देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। भैया आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं चाची जी, हाँ। पहले चाय दे दीजिए फिर नहा लूंगा। ठीक है जी। तेरा नाला एक बाप ना आया, हाँ तेरे को अकेले भेज दिया। वो दादाजी फसल काटने का टाइम हो गया था ना, इसलिए नहीं आ पाए, वरना तो वो भी चाहते थे आने के लिए। सुनो, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ दादाजी। बने तो लाग है, तेरे बाप ने तुझे पट्टी पड़ा के बेचा है। एक बात बता, तेरा बाप अपने बाप को कभी याद भी करे कि ना करे? अरे बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, बड़े भैया का टेलीफोन आता है मेरे को और आपका हालचाल जरूर पूछते हैं। बहुत बढ़िया, मारा हालचाल तुझसे पूछे है। क्यों मुझको सीधा खुद फोन ना कर सके मेरा हालचाल जानने के लिए? अच्छा ठीक है, इस बार फोन आएगा तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि सीधा आपको फोन कर ले और आपका हालचाल आप ही से ले लें। अब तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। स्वप्निल तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक अपनी चाची से मांग लेना। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। ठीक है, शाबाश बेटा। भैया आप कुछ खाओगे? नहीं नहीं चाची जी, अभी नहा के मैं 2-3 घंटे सोऊंगा, बहुत थक गया हूँ मैं। ठीक है मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ जी, आप चाय पी लो। देख बेटा लंबे सफर से आया है, आराम से चाय पानी पी के सो जाइयो। जी दादाजी। फिर मिलेंगे रात को। चाय लो। चाची मुझे बहुत लेट हो गया कॉलेज के लिए, मैं चाय नहीं पी सकता। कोई लेट वेट नहीं हुआ है, चाय पीने कितना टाइम लगता है, चलो जल्दी पी लो। और कैसा चल रहा है कॉलेज? कॉलेज तो बहुत अच्छा चल रहा है चाची, बहुत सारे दोस्त बने और उनके साथ हंसी मजाक करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। गर्लफ्रेंड बनी या नहीं बनी? क्या चाची आप भी, अब हफ्ता ही तो हुआ है कॉलेज जाके, इतनी जल्दी कहाँ गर्लफ्रेंड बनती है। मैंने तो सुना था आजकल के बच्चे तो एडवांस होते हैं, और तुम कहते हो कि गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। ये सब छोड़ो, ये मैं कर लूंगी। चाची अगर गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना तो मैं फौरन आपको बता दूंगा। वैसे चाची एक बात पूछूं? पूछो। नहीं नहीं जाने दो, आप नाराज हो जाओगे। नहीं मैं नाराज नहीं होगी, पूछो। नहीं नहीं आप सब, मैं कह रहा हूँ ना आप नाराज हो जाओ। नहीं होने वाली भाई, पूछो ना। शादी से पहले आपका भी कोई बॉयफ्रेंड था? चुप बदमाश, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, जो है वो तुम्हारे चाचा ही है। वैसे अगर कोई हेल्प चाहिए
लड़कियों के मामले में तुम उससे जरूर पूछना। जी चाची बिल्कुल। अब मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ कॉलेज। ठीक है चाची? ठीक है, चलिए बाय बाय। बाय। स्वप्निल भैया शायद बड़े हो गए। हाँ कुणाल। हाँ स्वप्निल, कहाँ है? हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, पहुंच ही रहा हूँ मैं। आज कॉलेज का बंक मार रहे हैं ना हम लोग। बंक? पर क्यों, आज तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना। अरे नहीं, लेक्चर कैंसिल हो गया, जोशी सर कॉलेज नहीं आएंगे, इसलिए हम लोगों ने क्लब जाने का प्लान बनाया है। यार क्लब? नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं लाइब्रेरी में बैठ के इकोनॉमिक के नोट्स बना लूंगा। अबे नई केमिस्ट्री की सोच, नताशा भी आ रही है, उससे बात करने का इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। तू सच बोल रहा है ना, नताशा आ रही है? मत मान, शाम को इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख लेना। अच्छा सुन सुन सुन, मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा। क्या करेगा जाकर, छोड़ ना, तू लाइब्रेरी जा, नताशा से मैं बात कर लूंगा। अरे सुन ना, मैं आ रहा हूँ, घर जाके कपड़े चेंज करता हूँ, तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं डायरेक्ट मिलूंगा वहाँ। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना, समझा? ठीक है ठीक है, चलो चलो बाबा भाई। शुक्र है सपना ही था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोता का सोते रह जाऊं और कल का लौंडा बाजी मार जाए। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद चाची मना तो नहीं करेगी। अरे चांदनी। आ रही हूँ। प्रणाम चाचा जी। अरे स्वप्निल जी, आज तो बड़ी देर लगा दी कॉलेज से आने में। जी चाचा जी, कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ प्लान बन गया था, बस उसी चक्कर में लेट हो गया। अच्छा अच्छा, ये दिन मौज मस्ती के, लेकिन इन सब के बीच में अपनी पढ़ाई लिखाई मत भूल जाना। नहीं चाचा जी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा वो बड़े भैया का कॉल आया था, एक बार उनसे बात कर लेना। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। ये लीजिए। थैंक यू। भैया आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे सुबह तो अलग कपड़े पहने थे, अब अलग? हाँ वो मैं बीच में आया था घर पे चेंज करने के लिए, आप सोए हुए थे तो आपको उठाना ठीक नहीं समझा। अरे यार वो बातों बातों में मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मुझे हैदराबाद जाना है कुछ दिनों के लिए, तो वो मेरा थोड़ा सामान पैक कर देना। कितने दिनों के लिए और कब जाना है? वापस आने में हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। अचानक से? अरे भाई कौन जा रहा है हफ्ते भर के लिए बाहर? अरे बाबूजी आज वो बॉस का कॉल आया था, तो हैदराबाद में अपनी कंपनी का कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए जाना है, 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे आने में वापस। शाबाश बेटा, इसी तरह मन लगा के नौकरी करते रहो, आगे बढ़ोगे तुम जिंदगी में। अरे बस आपका आशीर्वाद है बाबूजी, खुश रहो बेटा। अच्छा मेरे मन में एक बात चल रही थी कि क्यों ना बहू को भी अपने साथ हैदराबाद ले जाओ, बेचारी दिन भर घर का काम करती रहती है, इसे भी अच्छा लगेगा बेटा। मैं चली गई तो आपका और भैया का ख्याल कौन रखेगा? हम लोग अपना ख्याल रख लेंगे खुद, तुम्हारी चिंता मत करो। अरे नहीं बाबूजी, वो ठीक कह रही है, आप एक बार तंदुरुस्त हो जाइए, उसके बाद हम सब चलते हैं ना हरिद्वार गंगा नहाने। बेटा ऐसे गुणवान बहू पाकर तो मैं यहीं खड़े खड़े गंगा ना जाऊं, बस ईश्वर तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे, सदा प्रसन्न रहो बेटा। भैया आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर आपकी पसंद का खाना बना दूंगी। नहीं नहीं चाची, आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैंने दोस्तों के साथ बहुत कुछ खा लिया, आज मैं सिर्फ दूध पीऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। भैया दूध पी लो। और परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? चाची
मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? मैंने जो तकिए के नीचे फोटो रखी थी ना, वो मुझे टेबल पर मिली। मैं समझ गया था कि वो आपने देख ली। बेकार में परेशान हो रहे हो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। चाची, ये बात दादाजी और चाचा जी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी से नहीं कहूंगी। अब ऐसे ही खुलेआम तकिए के नीचे रखोगे तो किसी को भी दिख जाएगी। ये तो अच्छा हुआ मेरे हाथ लग गई। आप एक प्रॉमिस कीजिए, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, एकदम सीक्रेट। हाँ बाबा, प्रॉमिस करती हूँ, किसी से नहीं कहूंगी। थैंक यू चाची। चलो कोई बात नहीं। वैसे वो लड़की थी बड़ी खूबसूरत। वैसे खूबसूरत तो आप भी बहुत हो चाची, बस एक बार आपको बिना कपड़ों के देख लूं। अब तो चाचा जी भी बाहर जा रहे, सही मौका है वार करने का। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अरे बेटा मेरी फिक्र ना कर तू, मेरी बहू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और स्वप्निल, पढ़ाई पे ध्यान देना और चाची को ज्यादा तंग मत करना। नहीं नहीं चाचा जी, मैं उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। अच्छा मैं आपको स्टेशन छोड़ने चलूं? अरे नहीं नहीं, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? चाचा जी आज संडे है। ओ अच्छा, चलो मैं निकलता हूँ, ठीक है जी। अरे जल्दी जा, कोई ट्रेन ना छूट जाए। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं छूटेगी ट्रेन। और बहू तू ऐसा कर, मेरे लिए ऊपर कमरे में ना चाय लेके आ जाइए। जी बाबूजी। जल्दी आ जाइए। चाची अंदर आ जाऊं? स्वप्निल हाँ आओ ना। डिस्टर्ब तो नहीं किया चाची? नहीं नहीं बैठो, क्या बात है? वो क्या है ना चाची, कुछ चाहिए था? आप मेरे कहने का मतलब आपकी राय चाहिए। हाँ पूछो ना, किस बात पे राय चाहिए? वो क्या है ना चाची, मेरे कॉलेज में ना एक लड़की है। अच्छा तो मेरे भतीजे को लड़की पसंद है, कौन है वो, क्या नाम है उसका? नताशा, नताशा नाम है उसका, मेरे साथ ही पढ़ती है। और चाची क्या है ना, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। चाची उसने ना मुझे अकेले में मिलने बुलाया है, लेकिन मुझे पता नहीं है मुझे करना क्या है। पहले तो उसे यकीन दिला कि वो तुम्हारे साथ सेफ है, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ के प्यार से सहला। हाँ पर कैसे सहलाना है? ये कौन सी बात है, ऐसे उसका हाथ पकड़ो, अपने हाथ में लो और ऐसे उसका हाथ सहलाओ। कभी उसके बालों की तारीफ करो, कभी उसके कपड़ों की तारीफ करो, लड़कियों को ना तारीफ बड़ी पसंद होती है। वैसे एक बात कहूं चाची? कहो ना, क्या बात है? आप ना बहुत हॉट हो। चल जाए ऐसे, ये क्या बोल रहा है? अरे तारीफ कर रहा हूँ, क्यों आपको तारीफ पसंद नहीं है? तारीफ करने के लिए तेरे चाचा जी है। तू चल, मुझे सोना है, जा। वैसे दादाजी भी आपकी बहुत तारीफ करते, आपने उन्हें तो कुछ नहीं कहा। क्या बकवास कर रहा है तू, चल जा मुझे सोना है। अरे मैं तो यहाँ आपको जगाने आया हूँ और आप सोने की बात कर रहे हो। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप वो एक बार देख लो। मुझे कुछ नहीं देखना, तू जा मुझे सोना है। आप एक बार देख तो लो, आपकी नींद तुरंत उड़ जाएगी। ये देखो, ये वीडियो तुमने कब बनाया? कट कर, डिलीट कर उसे, मैं कहती हूँ इसे डिलीट करो। वो क्या है ना चाची, इसे डिलीट करो। अरे आप सुन तो लीजिए, उस दिन जब मैं कपड़े चेंज करने आया था ना, तब आप दादाजी के साथ सो रहे थे, मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करूं, पर क्या है ना ये वीडियो बनाए बिना मैं रह भी नहीं पाया।
क्या चाहती हो तुम? दादाजी के ऊपर से तो आपने शर्म का पर्दा हटा दिया, तो क्यों ना आपके हुस्न की थोड़ी सी झलक हम पे भी बरसा दो। वैसे दादाजी की एज में और हमारी एज में काफी फर्क है, आपको बहुत अलग मजा आएगा। और ये बात ना आपके और मेरे बीच में रहेगी, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे ये वीडियो आपके पति यानी कि मेरे चाचा जी को मजबूरन दिखाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? और देखना था लेकिन सीन बीच में ही कट हो गया। कोई बात नहीं, बस सब्सक्राइब करो उल्लू और देखो पूरा एपिसोड बिना कटे, यानी बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ, जस्ट क्लिक एंड वॉच।